मेरा नाम मानसी है। मेरी जर्नी कुछ ऐसी है कि 2018 में कि सबसे पहले तो जब वहाँ यहाँ पर से वर्कशॉप खुली हुई, फिर यहाँ नवसारी में मिसाल स्टार्ट हो रहा था, तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा काम किया। फिर मुझे लगा कि यार मुझे भी मैंने कभी मतलब बहुत सारे कैंप्स किए थे, लेकिन कभी मिसाल में एज अ पार्टिसिपेंट मुझे ऐसा लगा कि करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे ना डर बहुत लगता था। और वो किसका डर था, ऐसे राइटिंग का सबसे ज़्यादा डर उसका ही लगता था कि यार मैं सब में पास हो जाऊँगी, लेकिन ये ऐसे राइटिंग है ना वो मुझे मरवा डालेगा। मुझे ऐसा ही लगता था कि कितने सारे लोग लेटर देते होंगे, हज़ारों लोग लेटर देते होंगे, उसमें से मेरा कैसे सिलेक्ट होगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने रात को उठी, मुझे ऐसा जोश लगा कि यार कुछ तो करना है, देश के लिए करना है, कुछ नहीं एक लेटर ही तो लिखना है, लिखते थे तो पूरी रात तक के लेटर ही लिख डाला। और जब ये लोग पैकिंग कर रहे थे ना, तब मैंने मेरा लेटर दिया, यार मेरा भी रख लो। मतलब ऐसे दिया कि मेरा भी रख लो प्लीज़, ऐसा करके। और तब मैं ज्वाइन हुई, और उसके बाद के सारे फ्रेंड्स तो मेरे बहुत अच्छे चले गए, और मैं मिसाल वीक भी हो गई। और उसके बाद मेरी एंट्री हुई लाइक नवसारी की टीम में, कोर टीम में। तो उसमें भी जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक एग्जाम के ऐसी जैसी मैं लीडर बनना है, अप्रोच करना है, तो ये सब लोग अभी कॉलेज में थे और उनकी एग्जाम चल रही थी, सिर्फ मैं ही थी जो फ्री थी। मेरी कोई एग्जाम नहीं थी ना, मैं टेंशन ले रही थी, ऐसे ही मैं मेरी लाइफ अलग तरीके से जी रही थी, लेकिन एग्ज़ाम का ऐसा कोई टेंशन नहीं था तब। तो तब मैंने वर्क स्टार्ट किया था, एग्ज़ाम कैसी की तरह से मैं अप्रोच करना, कोऑर्डिनेट करना, सब कुछ मैंने पहली बार किया था कि कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं। फिर भी जब शुरू किया ना, तब ऐसा ही होता था कि कोऑर्डिनेशन करना तो आता नहीं, कोई फ़ोन में जिसको लगाओ सब बंद है, नहीं तो कुछ ना कुछ किसी के फ़ोन को हो ही जाता था जब मैं लगा थी। तो मेरा शेड्यूल इतना हैक्टिक हो गया था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में ही नहीं आता था। और तब मैंने ना ये सीखा कि हम मेहनत करते हैं तो हमारा कितना ग्रो हो जाता है। मैं पहले मेहनत ही नहीं करती थी, कुछ करती ही नहीं थी, ऐसा बोलता चलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब हम किसी को कुछ देने निकले ना, तो हमें अंदर से होना चाहिए, तभी हम वो काम कर पाते हैं। तो मैं रात को 8:30 बजे से आती थी, और वैल्यू थी कि 9 बजे से पहले सबको कॉल करके कोऑर्डिनेट कर देना है। तो 8:30 बजे जैसे मैं अभी घर में पैर नहीं रखूं, मेरा पहला कॉल लग जाता था, और वहाँ से लेके इतने वॉलंटियर्स को जो समझाना है वो आधे ही घंटे में सबको सब कुछ समझा देते थे, और दूसरे दिन का सेशन कैसा गया वो सब कोऑर्डिनेशन करने का। तो मेरा डे एकदम हेक्टिक हो जाता था, और मैंने जैसे सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना, और जब हम हार्डवर्क करते हैं तब कितना सब कुछ सीखते हैं वो सीखते। तो ऐसी दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे हमारी कोर टीम का मिलना, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी लाइक कि हम लोग है ना वैल्यूज क्रिएट करते थे कि हमें क्या सीखना है इसमें से, लाइक कि हाँ हमारा एक सेशन हुआ था वैल्यूज़ का कि हमें वैल्यूज बनानी थी, और हमने वैल्यूज तो सब बना ली, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि वो वैल्यूज हम करते हैं भी या नहीं करते। तो एक दिन वही सेशन हुआ कि हम वैल्यूज करते हैं तो कितनी करते हैं, सिर्फ हमने बना के रखी थी लेकिन कभी उसको फॉलो नहीं करते थे। तो उसके बाद जब मेरे मन में ऐसा हुआ कि यार ये वैल्यू सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता, वो जिए हम जिएंगे ना तब पता चलता है कि वैल्यूज क्या होती है, फिर लिखने की जरूरत नहीं।